फोल्डिंग साइड पे हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे और ओपन साइड पे हम बैक की मार्किंग करेंगे। सो ये हमारा ओपन साइड है और वो हमारा, सो खुले भाग पे हम सबसे पहले बैक की मार्किंग करेंगे क्योंकि बैक में हम जॉइंट रखने वाले हैं और फ्रंट हम फोल्डिंग पे काटेंगे। बैक में क्यों जॉइंट रखने वाले हैं वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ। आज हम डायरेक्ट फैब्रिक पे ही मार्क करेंगे। यहाँ से हमें आधा इंचेस मार्जिन का चाहिए, हाफ 2.75 इंच फॉर मार्जिन। इतना हमने मार्जिन का रख लिया है। उसके बाद हम अभी लेंगे टॉप की लेंथ। तो टॉप की लेंथ है 23 इंचेस, उसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, सो 24.5 इंचेस टॉप लेंथ। अब हम सारी मार्किंग जो है अंदर वाले लाइन से करेंगे। ये हाफ इंच हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं, बैक में सेंटर में जॉइंट होगा तो इसीलिए ये हमें एक्स्ट्रा मार्जिन में चाहिए 0.75। सारी मार्किंग हम इस लाइन से करेंगे, अंदर वाली लाइन से। अब हम आर्म होल लेंथ मार्क करेंगे। सो आर्म होल लेंथ 33 चेस्ट के अकॉर्डिंग में यहाँ 7.5 इंच मार्क करेंगे। तो देखो आपको कौन से साइज में कितना मार्किंग करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो देखो 32, 30 एंड 32 चेस्ट में आप मार्क करोगे 7 इंचेस, 34, 36 चेस्ट में 7.5 इंच, 38 एंड 40 चेस्ट में 8 इंचेस, 42 एंड 44 चेस्ट में 8.5 इंच, फॉर 46 एंड 48 9 इंचेस। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे हमारी आर्म होल लेंथ। क्लियर? सो इसलिए मेरी चेस्ट 33 है तो मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। अब हम यहाँ से ले लेंगे चेस्ट का हाफ। ये हमारी चेस्ट की लाइन है, चेस्ट का 1/4 पार्ट लेना है। चेस्ट डिवाइड बाय 4, 8 इंचेस प्लस 2 इंचेस मार्जिन एंड लूजिंग, 8.25 इंचेस। चेस्ट मेरी 33 है, सो 33 डिवाइड बाय 4, 8.25 प्लस 2 इंचेस लूजिंग एंड मार्जिन, जिसमें हमारा 1 इंच लूजिंग रहेगा और 1 इंच मार्जिन जाएगा। अब हम मार्क करेंगे वेस्ट लाइन। सो वेस्ट लेंथ प्लस 1/2 इंचेस, वेस्ट मेजरमेंट है मेरा, वेस्ट लेंथ मेजरमेंट है 14, सो 14 प्लस 1/2 14.5। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से सीधा ले लेंगे। अब हम यहाँ पे रखेंगे वेस्ट राउंड मेजरमेंट। सो वेस्ट राउंड मेजरमेंट 28, 28 का चौथा भाग, 28 डिवाइड बाय 4, कमर का चौथा भाग प्लस 2 इंचेस। अब हम ले लेंगे हिप का चौथा भाग प्लस 2 इंच। आपको ध्यान रखना है कि आपको अंदर वाली लाइन से ही बनाना है। अब हम ले लेंगे हिप का चौथा भाग प्लस 2 इंचेस। सो हिप का चौथा भाग है 8.5 प्लस 2 इंचेस, हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंचेस। सारी मार्किंग को हम इस तरह से बढ़ा लेते हैं। अब हम यहाँ से नीचे से 1 इंच जितना ऊपर जाते हैं और शेप क्रिएट कर लेते हैं। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। सो शोल्डर का हाफ प्लस 1/2 इंचेस, शोल्डर डिवाइड बाय 2 प्लस 1/2 इंचेस, सो 7। 13 मेरा शोल्डर है, 13 का हाफ करेंगे प्लस 1/2 इंचेस, सो 7 आएगा। लाइन खींच लेते हैं सीधी। अभी यहाँ जितना हमारा शोल्डर का मेजरमेंट आया है उतना ही हम यहाँ नीचे ले लेते हैं। अब टॉप में कंपलसरी है, पैक पैक वाले टॉप में या फिर किसी भी टॉप में 1 इंच शोल्डर डाउन कंपलसरी, 1 इंच शोल्डर डाउन होना ही चाहिए। यहाँ से हम मार्क करेंगे चेस्ट डिवाइड बाय 12, यानी 2.75 इंच, 2.75 इंच हम मार्क करेंगे यहाँ से। ये है शोल्डर डाउन। अभी ये कॉलर वाला नेक है तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 1/2 इंचेस। 1/2 इंचेस हम स्क्वायर गला बना देंगे। तो सारी मार्किंग हो चुकी है। बैक का आर्म होल बना लेते हैं। बैक का आर्म होल बनाने के लिए हमें इसका सेंटर पॉइंट करना होगा। सेंटर पॉइंट करके यहाँ से हमें इसके साथ मैच कर देना है। आप इतना जूम कर दो कि इतना ही दिखे। अब तो हो गई सारी मार्किंग वैसे।
तो इस तरह से बैग का आर्मोल क्रिएट हो गया। अभी हम कट कर लेते हैं। तो आप सभी को क्लियर हो गया कि मार्किंग किस तरह से की। यहाँ से हमने सबसे पहले लेंथ मार्क की, फिर आर्मोल लेंथ, फिर वेस्ट लेंथ। आर्मोल लेंथ पे हमने मार्क किया चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंचेस, वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंचेस, हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंचेस। सारी मार्किंग मिला दी। उसके बाद हमने शोल्डर का हाफ प्लस हाफ इंच मार्क किया, 1 इंच शोल्डर डाउन, चेस्ट का 12वां भाग, सेंटर पॉइंट बना के हमने आर्मोल राउंड मार्क किया। एंड एट द एंड हमें यहाँ पे 0.75 इंच मार्जिन का चाहिए। ये हो गया हमारा बैक। अभी हमें फ्रंट कटिंग करनी है, सो इसी को रख के हम काट लेते हैं सबसे पहले। तो इसको मैं इस तरह खिसका लेती हूँ, तो यहाँ मेरा फोल्डिंग वाला पार्ट आ जाएगा। सो फोल्डिंग वाले पार्ट पे हम मार्क कर लेंगे फ्रंट की। सो बैक को हमें, जो हमने मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था, उसको हमें इस तरह फोल्ड करके फ्रंट पे रखना है, ठीक है? यानी फ्रंट में हमें कोई भी मार्जिन नहीं चाहिए होगा। तो अभी इसी को रख के काट देते हैं। तो ये हो गया फ्रंट और ये है हमारा बैक। अब हम फ्रंट में मार्क करेंगे फ्रंट विड्थ, यानी अभी हमें फ्रंट विड्थ की मार्किंग देनी है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सेंटर पॉइंट जो है उसको हम ट्रेस कर लेते हैं बैक से। ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे हमें फ्रंट विड्थ का आधा प्लस आधा इंच मार्जिन का लेना है। यानी फ्रंट विड्थ मेरा मेजरमेंट 11 इंच था, तो 11 का हाफ 5.5 प्लस हाफ इंचेस 6 इंच। 6 इंच को हम यहाँ से आधा इंचेस नीचे जाके स्ट्रेट मिलाएंगे। यहाँ से आपको आधा इंच नीचे जाना है और स्ट्रेट मिलाना है। और यहाँ से हम फ्रंट का आर्मोल मार्क कर लेते हैं हल्का हल्का अंदर जाते हुए। अगर आप फ्रंट विड्थ में मेजरमेंट नहीं ले पा रहे या नहीं लेना चाहते, तो यहाँ से 1 इंच जाके अंदर इस तरह मार्क कर लेना है। अभी फ्रंट का नेक मार्क करना है। तो फ्रंट का नेक हम किस तरह से मार्क करेंगे, ये जितना आपका आ रहा है 2.75 जो कि आ रहा है, तो यहाँ हम मार्क कर लेते हैं 2.75 प्लस हाफ इंचेस। आधा इंच एक्स्ट्रा आपको, ये जितना आ रहा है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा आपको यहाँ मार्क कर लेना। तो इस तरह अच्छा वाला गोल बना लेना है, स्क्वायर नहीं दिखना चाहिए, राउंड दिखना चाहिए प्रॉपर। सो फ्रंट की भी कटिंग हो चुकी है, बैक भी कट चुका है, अभी हम काटेंगे स्लीव्स। यहाँ पे हम नॉच बना लेते हैं कि हमें यहाँ स्टिच करना है। अब हम फ्रंट में साइड डार्ट मार्क कर लेते हैं। तो फ्रंट के साइड डार्ट के लिए हमें 2 एक्स्ट्रा मेजरमेंट चाहिए रहेगा, जो कि ऑप्शनल है। साइड डार्ट हैवी साइज में आप लोग लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम चेस्ट लेंथ का मेजरमेंट ले लेते हैं। चेस्ट लेंथ मेजरमेंट हम लेंगे, शोल्डर के बाजू में इंच टेप रखना है और बस्ट पॉइंट तक चेस्ट लेंथ का मेजरमेंट ले लेंगे। 9.5 इंच। अभी हमें चेस्ट विड्थ का मेजरमेंट ले लेना है, एक बस्ट पॉइंट से दूसरे बस्ट पॉइंट तक। सो इस तरह से हम चेस्ट विड्थ का मेजरमेंट ले लेंगे 7। सो 9.5 एंड 7 इंच के हेल्प से हम साइड डार्ट मार्क करेंगे। सो अभी हमें 9.5 इंच मार्क करना है। शोल्डर पे इंच टेप रखेंगे, शोल्डर पे इंच टेप रखेंगे और शोल्डर से हम 9.5 प्लस हाफ इंचेस शोल्डर मार्जिन का ऐड कर देंगे। कोई भी कुर्ती या फिर किसी में भी डार्ट डालने का तरीका सेम रहेगा। सो चेस्ट विड्थ की मार्किंग कर लेते हैं। चेस्ट विड्थ डिवाइड बाय 2, चेस्ट विड्थ का आधा। तो चेस्ट विड्थ का मेजरमेंट है 7, तो 7 का आधा 3.5 पे मार्क कर लेंगे। अब हमारी जो वेस्ट लाइन थी,
उसको हम बैक से ट्रेस करेंगे। यहाँ से हमें 2 इंचेस जितना ऊपर चले जाना है और यहाँ से हमें इसके साथ एक लाइन मैच करनी है। गैप ले लेते हैं 2 इंच, 2 इंचेस के गैप में हमें ये डार्ट सिलना है। सो हाफ हाफ इंचेस दोनों तरफ लेके हमें इस तरह से मार्क कर लेना है डार्ट। तो यहाँ से हमारा डार्ट स्टिच होगा इस तरह। देखो हमने कुछ भी हवा में मार्किंग नहीं की है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि वेस्ट लाइन के सेंटर में ऐसे सीधा लेके यहाँ पे ऐसे लेके इस तरह मार्किंग कर लो। कुछ भी हवा में मार्किंग नहीं करना है, हमने चेस्ट लेंथ और चेस्ट विड्थ की मेजरमेंट ली, उसके हेल्प से हमारा साइड डार्ट मार्क हुआ है। तो अभी इसको दूसरी तरफ ट्रेस कर लेते हैं। अब साइड डार्ट स्टिच करने की वजह से बैक की लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाए, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, फ्रंट की लेंथ हल्की सी छोटी हो जाएगी। तो उसको उसके लिए हम क्या करेंगे, साइड स्टिचिंग करने के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे लेवल होगा वो हम काट देंगे। अब हम स्लीव्स काट लेंगे। तो साइड डार्ट भी लग चुका है। ये डार्ट हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि आगे की लेंथ हमें ज़्यादा चाहिए होती है और पीछे की लेंथ हमारी स्ट्रेट होती है। ज़्यादा हैवी साइज में फ़र्क पड़ेगा। अभी हम स्लीव्स काट लेते हैं। तो स्लीव का फर्मा मेरे पास रेडी है, उसी को रखेंगे। फोर फोल्डिंग करके ये फैब्रिक ले लेती हूँ। ये डबल फोल्ड हो गए, एक और फोल्डिंग कर लेते हैं। स्लीव का फर्मा हम रखेंगे इसके ऊपर। ये स्लीव का फर्मा रेडी है। इसके वीडियो बहुत बार मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बाद में। तो अभी हम सबसे पहले स्लीव की लेंथ मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे स्लीव की लेंथ है 22 इंचेस मुझे चाहिए। 22 इंचेस हमारी स्लीव की लेंथ है। सो हम 22 के सीध में इस तरह से कुछ इस तरह हम रखेंगे, ऐसे इस फर्मे को हम इस तरह रखेंगे। हल्का सा हमें 1 इंच ऊपर रखना है क्योंकि लेंथ शॉर्ट ना हो जाए, क्योंकि ये हमारा नीचे जा रहा है। तो देखो ऐसे इस तरह कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग रख लेते हैं। तो अभी हम मार्क करेंगे यहाँ से लेंथ, लेंथ वाइज भी हमें स्लीव बढ़ानी है और विड्थ वाइज भी। तो यहाँ पे आ जाता है मेजरमेंट, अभी मेरे फोल्डिंग के अकॉर्डिंग आ गया है 3.5। सो 3.5 इंच, 3.5 to 4 इंचेस आप ले सकते हो यहाँ से सेंटर से एक्स्ट्रा। और यहाँ से हम ले लेते हैं 3 इंचेस एक्स्ट्रा, जिससे हमारा पफ क्रिएट होगा लेग ऑफ मटन के जैसा। ज़्यादा पफ हमें नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा पफ चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमने मार्क किया। आपको ज़्यादा पफ चाहिए तो आप ज़्यादा मार्किंग भी ले सकते हो। तो अभी इसको कुछ इस तरह से ट्रेस कर लेते हैं। स्लीव्स के सेंटर पॉइंट तक तो मैं इस तरह एग्जैक्ट आई हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर का लेंथ ज़्यादा ही ले लेते हैं, अच्छा दिखेगा, इतना ले लेते हैं। उसके बाद हमें ये पॉइंट को इस तरह से मिलाना है। यहाँ से हम स्लीव राउंड का मेजरमेंट ले लेते हैं। स्लीव राउंड का हाफ प्लस 1 to 1.5 इंच मार्जिन, तो ये हम यहाँ मिला लेंगे। मैंने जो रेफरेंस फोटो डाली थी उसमें मैंने कुछ भी स्लीव्स का फर्मा यूज़ नहीं किया था, डायरेक्ट यूं ही मार्किंग कर ली थी। तो वो सब एक्सपीरियंस से होता है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कितना स्लीव्स का फैब्रिक चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑटोमेटिक फोल्ड करने लग जाओगे और स्लीव के फर्मे की भी नीड नहीं पड़ेगी उस वक्त।
आप डायरेक्ट इंच से इंच टेप रख के भी कर लोगे, स्लीव्स कटिंग इज डन। आप सबको कैसा लगा ये स्लीव्स कटिंग का मेथड? आर यू ऑल इंजॉइंग द क्लास? क्या आप सब क्लास इंजॉय कर रहे हैं या बोर हो रहे हैं? अभी यहाँ पे इस तरह पफ क्रिएट हो जाएगा, तो ये लेग ऑफ मटन जैसा दिखने लग गया। स्लीव भी कटिंग हो चुकी है, अभी हम फ्रिल काट लेते हैं कॉलर के लिए। फ्रिल के लिए हमें लंबा लंबा फैब्रिक कटिंग करना होगा बस। तो देखो फ्रिल की लेंथ हम रख लेते हैं 2.5 इंच विथ मार्जिन 2.5 to 3 इंचेस। वी कैन टेक 2.5 से 3 इंच हम ले लेना, ताकि डबल बनने के बाद ये 1 इंच जितनी दिखे। तो हम 3 इंच जितना ले लेते हैं फोल्ड पे 1.5, सो 3 इंच मैं ले रही हूँ। डन। ये लेंथ आपको अपने नेक साइज से ट्रिपल रखनी होगी, यानी गला जितना है उससे ट्रिपल होगा। तो अभी मैं क्रॉस पट्टी काटूंगी कॉलर की फिनिशिंग के लिए, जहाँ हमारी फ्रिल लगेगी उसकी फिनिशिंग के लिए हम क्रॉस पट्टी काटेंगे। ये 1.5 इंच चौड़ी हमें काटनी है। सारी कटिंग हो चुकी है, तो देखो हमने कौन कौन से पार्ट काटे, एक बार मैं यहाँ पे रख के बता देती हूँ सारे पार्ट्स एक साथ। ये है हमारा फ्रंट पार्ट, ये है बैक पार्ट। बैक पार्ट में भी हमें ऊपर लूप और बटन करना होगा, बैक में ओपनिंग चाहिए। और ये है हमारी स्लीव्स। और बाकी फ्रिल और ये सब के फैब्रिक्स हैं। तो अभी हम छोटा सा क्रॉस पट्टी और काट लेते हैं पीछे के बटन के लिए। वैसे तो गुम ही हो जानी है, वापस काटनी पड़ेगी। अभी हम मशीन पे चलेंगे। तो सारी कटिंग आप सबको क्लियर हो गया कि किस तरह से हमें काटना है? ओके, फ्रंट का डार्ट लग चुका है। बैक पार्ट के लिए हम पहले छोटी सी डोरी बना लेते हैं। इसको कोई भी सुई, उल्टी सुई से हम निकाल लेंगे, मशीन वाली सुई से। अभी हम बैक के नेक से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, बैक का जॉइन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से 4 to 5 इंच जितनी ओपनिंग छोड़ के सिलाई लगाएंगे, जितना हमने मार्जिन लिया था। उसके बाद इसको हम कुछ इस तरह मोड़ेंगे। इसके बाद हम इस तरह से आयरन कर देंगे। तो यहाँ हम ये डोरी वाला जो हमने बनाया है वो हम यहाँ लगा देते हैं। ये हम कॉलर बनाते वक्त लगा लेंगे। अभी हम इसको इस तरह से स्टिच कर देते हैं, ताकि हम पहले कॉलर बना लें। अभी शोल्डर अटैच कर लेते हैं, सीधे पे उल्टा रखेंगे।
कवर सिलाई भी कर सकते हैं ताकि कहीं पे मार्जिन ना रहे, लेकिन ये कॉटन फैब्रिक है तो अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हम फ्रिल लगा लेते हैं। तो फ्रिल बनाने के लिए ये फैब्रिक हमने जो काटा था उसको डबल फोल्डिंग देनी है, और फ्रंट फर्स्ट सेंटर से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से हमें इस तरह से अंदर फोल्ड कर लेना है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से हमें इस तरह से फोल्ड करके फिर स्टिच स्टार्ट करनी है। आपको जितनी फ्रिल दिखानी हो उतना आपको अंदाज रखना है। नेक से माप लेते हैं, थोड़ी सी फ्रिल हमारी कम पड़ेगी, थोड़ा सा ज्वाइन कर लूंगी मैं। परफेक्ट, अब यहाँ से काट लेते हैं। थोड़ी सी फ्रिल वापस कम पड़ रही है, साइड नेट ओनली फ्रंट में है, बैक में नहीं है। अब अंदर का एक्स्ट्रा मार्जिन काट के क्रॉस पट्टी लगा लेते हैं। सिर्फ ऊपर वाले लेयर में मैं कट लगा रही हूँ। क्रॉस पट्टी मैं सीधे टॉप पे लगा रही हूँ। देखो ऐसे कवर कर दिया ताकि बिल्कुल भी हमारा मार्जिन बाहर ना आए। अब उल्टा करके मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। कट लगाना थोड़ा ज़रूरी है, कट को मिस नहीं करना। कट सिर्फ हमारा फ्रिल पे नहीं लगेगा, टॉप वाले पार्ट पे लगेगा, इसको एकदम ध्यान से रखेंगे। अभी हमें लगानी है, बहुत ही इजी टॉप है ये बिगिनर्स के लिए, स्पेशली बिगिनर कुछ न्यू ट्राई करना चाहता है तो ये टॉप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। देखो अब पट्टी थोड़ी सी चौड़ी ज्यादा हो रही है तो मैं काट लूंगी। रिवाइंडिंग पॉइंट पे हम इसके अंदर हम ये रख लेंगे। अभी आयरन करने पे हमारा बिल्कुल से बैठ जाएगा। स्लीव लगा लेते हैं। स्लीव में हम दोनों तरफ 5 5 इंचेस, 5 to 6 इंचेस जितना छोड़ के उसके बाद हम सेंटर में फ्रिल लगा सकते हैं। तो देखो इस तरह से मैं 6 इंच जितना छोड़ रही हूँ। आपकी बड़ी साइज है तो आप 7 इंच छोड़िए। बड़ी सिलाई कर लेंगे। दूसरे पार्ट में भी, दूसरे स्लीव में भी।
इसको इतना खींचना है कि हमारे आर्म होल पे आ जाएगी, टॉप के आर्म होल पर परफेक्ट आ जाए। देखो एग्जैक्ट है हमारे आर्म होल के जितना ही। दूसरे साइड का भी कर देते हैं, फिर इसमें फ्रंट भी काटना हमारा बाकी है। तो देखो फ्रंट काटने के लिए हम सीधे पे उल्टा रखेंगे स्लीव्स, और यहाँ से 2 इंच जितना छोड़ के स्लीव्स का थोड़ा सा हल्का सा अंदर काट लेंगे फैब्रिक। तो ये हमारा फ्रंट हो जाएगा। आप चाहो तो एक बड़ी एक पक्की सिलाई करके फिर अच्छे से पेपर कटिंग रख के भी कर सकते हैं। अभी स्लीव लगा लेते हैं। बैक का पार्ट बैक के साथ रखेंगे और फ्रंट का पार्ट फ्रंट के साथ। अब देखो प्लीट्स हमारे दोनों तरफ इक्वल आनी चाहिए, यानी कि शोल्डर के इस तरफ जितनी प्लीट आ रही है उतनी ही इस तरफ आनी चाहिए। थोड़ा बैक की तरफ और प्लीट्स डालते हैं क्योंकि स्लीव आगे बच रही है। एक साइड का स्लीव हो चुका है। दूसरे साइड लगा लेते हैं। जितना हमारा दूसरे तरफ हैंड के साइड गैदर्स आ रहा है उतना ही हमारा इस तरफ भी आना चाहिए। अब स्लीव्स का आगे का मोड़ लेते हैं। स्लीव्स के पहले मैंने लेंथ चेक कर ली कि कितनी मुझे चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं मोड़ रही हूँ। ऐसा मोड़ने के साथ में ही हम टॉप के राइट साइड पे सीधे तरफ नीचे तरफ से टॉप के सीधे तरफ से हम नीचे तक सिलाई लगा लेते हैं। अभी टॉप की फ्रंट वाली लेंथ थोड़ी छोटी हो गई क्योंकि साइड हमने डार्ट डाला, तो वो हम काट लेंगे। आर्म होल का मार्जिन ऊपर की तरफ जा रहा है।
आर मोल मार्जिन शुड बी अपसाइड। आर मोल डार्ट हम नीचे जाने देंगे। अब उल्टे तरफ से भी सिलाई कर लें। अब देखो बैक की लेंथ हमारी थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो इसको हम किस तरह से काटेंगे? ऐसे रख देंगे, सिर्फ साइड से शॉर्ट कर देंगे क्योंकि बैक में वैसे भी हमें हिप पर टॉप की लेंथ ज़्यादा चाहिए, तो हम इस तरह से ट्रिम कर देंगे। नीचे की स्टिच कर लेंगे, फिर आयरन। अभी सिर्फ आयरन करना है एंड पीछे बटन लगाना है। कैसा लग रहा है टॉप? बैक पार्ट और फाइनल पर फ्रंट पार्ट। पफ स्लीव इस तरह से दिख रही है, लेग ऑफ मटन टाइप की। अगर आपको इतना ज़्यादा पफ नहीं चाहिए तो आप कम भी ले सकते हो। ये फैब्रिक अभी कड़क है बट धोने पर ये सॉफ्ट हो जाएगा वॉश करने पर, क्योंकि ये प्योर कॉटन है तो बाद में ये सॉफ्ट हो जाएगा। आप सबको कैसा लगा ये? इजी, सिर्फ 1 घंटे में ही हमने ये टॉप को निपटा दिया है। साइड डार्ट हमारा इस तरह से लुक आ रहा है साइड में से। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल। यहाँ तक ज्वाइन करने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। होपिंग दैट आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। और अगर कोई न्यू है, जो न्यू चैनल पे आए हैं सिर्फ वीडियो देखने के लिए, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसलिए उसकी कटिंग का वीडियो आप सबको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से मिल जाएगा। सो आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी होपिंग दैट, एंड सब्सक्राइब किए बिना आप लोग नहीं जाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। बाय बाय।